हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 के केमिस्ट्री के अगले वीडियो में हम सबसे पहले आप लोग को कहे थे कि पहले हम आप लोग को एक मैथ डेली सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। देखिए, दृष्टि दोष के बारे में पढ़ना है तीसरा चैप्टर में, लेकिन उससे पहले ही थोड़ा सा रिलेटिव दे दिया, हिसाब दे दिया है। 40 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले, मतलब फोकस दूरी आपको के सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने अवतल लेंस का चश्मा का उपयोग करता है। इसका मतलब अवतल लेंस का चश्मा का उपयोग करता है, इसका मतलब लेंस में आप लोग जानते हैं कि शक्ति होती है, तो उसका आपको कह रहा है लेंस की क्षमता क्या होगी, लेंस की शक्ति आपको उसी को आपको पी बराबर पूछ रहा है भार। ऐसा हिसाब हम लोग कई में बताए, बना लीजिएगा इसको। दूसरा, एक पतले लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी एवं लेंस कैसा होगा। -20 सेंटीमीटर क्षमता पी निकाल लीजिएगा, और आपको कह रहा है कि लेंस की क्षमता बताएं एवं यह लेंस कैसा होगा, तो फोकस दूरी निगेटिव है। जब आपका फोकस दूरी निगेटिव हो तो लेंस का जो क्षमता होती है, सॉरी जो लेंस होता है, किसकी फोकस निगेटिव होती है, तो वह लेंस अवतल है, उसको आप लोग बना लीजिएगा। और आप लोग, हम लोग पांचवा क्वेश्चन से अब देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। और पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, पांचवा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, मतलब एफ बराबर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, तो लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है, तो एफ का मान पॉजिटिव से 5 सेंटीमीटर दूर पर स्थित एक वस्तु रखी गई है, मतलब यू बराबर -5 cm। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थान एवं आवर्धन ज्ञात करें। इसका मतलब प्रतिबिंब की स्थान भी, आवर्धन एम, और प्रकृति कैसा बनेगा जो, चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो चूंकि भी सबसे पहले निकालिए, 1 बटा v - 1 बटा u = 1 बटा f, 1 बटा v मालूम नहीं, -1 बटा u - 5 = 1 बटा f, f का वैल्यू 10, 1 बटा v + 1 बटा 5 = 1 बटा 10, प्लस में तो नहीं जाएगा तो माइनस, तो 1 बटा v = 1 बटा 10 - 1 बटा 5, 1 बटा v = 10 cm, तो 2 1 -2, 1 बटा v = -1 बटा 10, तो भी बराबर -10 cm। भी का मान निगेटिव आया, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब लेंस की दाईं ओर नहीं बाईं ओर बनेगा, प्रतिबिंब लेंस से बाईं ओर बनेगा, तो लेंस की प्रकृति क्या होगा, सॉरी प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक, और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा लेंस उत्तल था, तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बड़ा, लेंस के पीछे, चलिए हो गया। अब आपको पूछा है एम, तो एम बराबर आपने क्या पढ़ा, आवर्धन एम बराबर भी बटा यू, तो भी का वैल्यू -10, यू का वैल्यू -5, एम बराबर 2 हो गया। आप लोग इसी प्रकार से आगे बनाइएगा, क्लियर होते चला जाएगा। अब हम लोग केमिस्ट्री में देखते हैं। केमिस्ट्री में आप लोग को पिछले वीडियो में आप लोग को सूचक तक लिखा दिए थे, अब उसको जरा शुरू से हम लोग परिभाषा लिखते हुए चले। तो चैप्टर का नाम रखिए, चैप्टर का नाम दीजिए अम्ल भस्म एवं लवण, अम्ल भस्म एवं लवण। पॉइंट बना, क्वेश्चन बनाइएगा, अम्ल लिख के डैश दीजिएगा, अम्ल लिख के डैश दीजिएगा, वह पदार्थ
जो स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल कहलाता है, अम्ल कहलाता है। अम्ल मुख्य रूप से, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, अम्ल मुख्य रूप से ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। ठोस रूप में अम्ल लिखिएगा, ठोस रूप में कौन कौन अम्ल है जो डैश दे करके ठोस रूप कर दीजिए इस प्रकार से, ठोस रूप। तो पहला लिखिएगा टार्टेरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लाइटिक अम्ल। द्रव रूप में लिखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल इत्यादि। गैसीय रूप में लिखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, ईटीसी। फिर पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, अम्लों के शक्ति के अनुसार, अम्लों के शक्ति के अनुसार इसे दो वर्गों में, इसे दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला लिखिएगा प्रबल अम्ल और दूसरा लिखेगा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल लिखकर डैश दीजिएगा, प्रबल अम्ल के अंतर्गत कौन आता है, इसकी प्रबल अम्ल पर के परिभाषा हम नहीं दे रहे हैं, परिभाषा आगे देंगे। प्रबल अम्ल अरहोनियस के अनुसार अम्ल और भस्म की परिभाषा पढ़ा लेंगे उसके बाद। प्रबल अम्ल किसको कहेंगे जो जानेंगे, खनिज अम्ल को। अब खनिज अम्ल कौन कौन है, तो HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4 और कई अम्ल है, लेकिन जो प्रमुख आप लोग को पढ़ना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल को ही बैटरी अम्ल भी कहते हैं। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल। तो चलिए यही आपका प्रबल अम्ल के अंतर्गत है जो खनिज अम्ल कहलाता है। दूसरा था दुर्बल अम्ल, समझा दे चुके हैं, केवल लिखाना आज है। ये कार्बनिक अम्ल मुख्य रूप से होता है जो दुर्बल है। कार्बनिक अम्ल में लिखिएगा कौन कौन कार्बनिक अम्ल के अंतर्गत है,
एसीटी कामल हम बगल में कर लीजिएगा CH3COOH इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं तो सुन लीजिएगा, इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं एसीटिक अम्ल को सिरका में, दूसरा फॉर्मिक अम्ल, HCOOH फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम होता है मेथेनोइक अम्ल, HCOOH दुर्बल अम्ल के अंतर्गत लिख रहे थे टार्टेरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, ETC कर दीजिए। आगे लिखिएगा क्षार, सॉरी अम्ल भस्म, अगला पॉइंट भस्म का दीजिएगा। भस्म किसको कहेंगे जो जानेंगे, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है, जो स्वाद में कड़वा होता है और अम्ल को उदासीन कर देता है, और अम्ल को उदासीन कर देता है भस्म कहलाता है। नीचे नोट कर लीजिएगा, धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड भस्मीय होता है, मतलब जेरा में OH लगल रह गया धातु में या O लगल रह गया धातु में, वो सभी भस्म के अंतर्गत आएगा। क्लियर, अम्ल भस्म हो गया। अगला लिखिएगा क्षार, क्षार किसको कहते हैं लिखिए, क्षार जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। अगला लिखिएगा सूचक, वे पदार्थ जो अपने रंग या गंध में परिवर्तन होकर अम्ल या भस्म को बतलाता है, उसे सूचक कहते हैं, यह दो प्रकार के होता है, पहला अम्लीय विलयन
पहला रंगीय सूचक और दूसरा गंधीय सूचक। पहला रंगीय सूचक और दूसरा गंधीय सूचक। थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में लिखाएंगे और कौन किसको किसको याद रखना है, एक सारणी बना देंगे और कौन रंग क्या है इस पर ध्यान रखना है। थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे।